हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे डेली टॉप 20 जीके क्वेश्चंस। आप जानते हैं हम डेली टॉप 20 जीके क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। यहाँ पर मैं जितने भी क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आती हूँ वो सभी प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित होते हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, रंध्र। ठीक है, रंध्र या स्टोमेटा जो पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। देखिए, जो पत्तियाँ होती हैं प्लांट की पत्तियाँ, उसमें उसका निचले भाग में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। उनका काम क्या होता है, ये प्लांट में गैसों के आदान प्रदान के लिए पाए जाते हैं। ठीक है, ये स्टोमेटा जो होते हैं ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में मदद करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं ये प्लांट का। तो आपको याद रखना है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रंध्र या स्टोमेटा के द्वारा। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सेरिब्रम के द्वारा। ठीक है, मनुष्य में जितनी भी ऐच्छिक गतियाएं हैं उन सभी का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, सेरिब्रम के द्वारा। देखिए, जो सेरिब्रम होता है ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सेरिब्रम हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है और यहीं से हमारी सारी ऐच्छिक गतियाएँ, हमारा सोचना समझना सब कुछ यहीं से कंट्रोल होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बचाने हेतु, किससे बचाने हेतु। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, हृदय घात से बचाने के लिए बीटा ब्लॉकर एक मेडिसिन है। देखिए, ये जो बीटा ब्लॉकर है ये दवाओं का या मेडिसिन का एक ग्रुप है जो मुख्य रूप से असामान्य हृदय ताल को प्रबंधित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, और पहले जैसे पहले अगर हार्ट अटैक आ गया तो उसके बाद दूसरा हार्ट अटैक आने से बचाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये बीटा ब्लॉकर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन में समर्थ है कौन सा है वो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन में समर्थ है तो वो है माइकोप्लाज्मा, जिसका आकार 10 mm के बराबर होता होगा या इससे भी छोटा होता है। इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। ये कैसे जीव होते हैं, तो ये प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। साथ ही साथ ये स्वतंत्र रूप से ग्रोथ एवं रिप्रोडक्शन करते हैं ये। और इनकी खास बात ये भी है कि ये बहुरूपी होते हैं, कई सारे रूप में पाए जाते हैं। इन्हें पादप जगत का जोकर भी कहा जाता है, इन्हें पादप जगत का जोकर। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार सिर्फ इतना पूछ लिया जाता है कि पादप जगत का जोकर किसे कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाता है माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट, रक्त का थक्का जमाने में किस विटामिन का योगदान है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, विटामिन के का। ठीक है, जब रक्त का थक्का जमाना है तो कौन सा विटामिन, तो यूज़ होता है विटामिन के। देखिए, जो विटामिन के है वो हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो को बनाए रखता है। ठीक है, हमारी बॉडी में जो ब्लड का फ्लो है उसे बनाए रखता है कौन सा विटामिन, विटामिन के। ये जो रक्त के जमने की प्रोसेस में शामिल होती है प्रोटीन, मिनरल, कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों को एक्टिव करके रक्त में जमाव को रोकता है। ठीक है, शरीर में जो रक्त है, बॉडी में जो जमाव है उसको रोकता है। तो विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, इसलिए आपको ये याद रखना है। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी, TMV। ठीक है, सबसे पहले TMV, जिसका पूरा नाम है टोबैको मोजाइक वायरस, इसकी खोज सबसे पहले हुई है। देखिए किसने की है, तो इवानोवस्की के द्वारा 1892 में वायरस की खोज हुई है। और यही वायरस कौन सा है, TMB, क्योंकि ये टोबैको के प्लांट में मिला था इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, टोबैको मोजाइक वायरस रखा गया है। इवानोवस्की द्वारा 1892 में इसकी खोज की गई थी। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इसका बी, नाभिकीय विखंडन पर। ठीक है, न्यूक्लियर फीजन पर सिद्धांत पर आधारित है परमाणु बम का सिद्धांत। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है इसलिए आपको याद रखना है। पृथक्करण का नियम किसने दिया था,
तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मेंडल के द्वारा, ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा पृथक्करण का नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का नियम दिया गया है। देखिए इसे हम द्वितीय नियम के नाम से, मेंडल के द्वितीय नियम के नाम से भी जानते हैं, और साथ ही साथ इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्योंकि अलग अलग नाम से पूछा जाता है। फिर इसको समझने के लिए पूरा अच्छे तरीके से हमें समझना पड़ता है, लेकिन इसके जो नाम है वो आप अच्छे तरीके से याद रख लीजिए। इस पर मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगी, मेंडल के तीनों लॉ जो मैं आपको फुल डिटेल में समझा दूंगी। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हाइपरटेंशन। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर की जो अवस्था होती है उसे कहा जाता है हाइपरटेंशन, और ये एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है इसलिए आपको याद रखना है। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है, किसमें जमा रहता है लिग्निन नामक पदार्थ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जाइलम उत्तक पर जमा होता है, जो जाइलम टिश्यू है उस पर लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है। देखिए जो लिग्निन है वो कॉम्प्लेक्स कार्बनिक पॉलीमर का एक ग्रुप होता है, ये सेल वॉल के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, सेल वॉल का सिंथेसिस होता है उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेष रूप से जैसे लकड़ी या छाल में, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये कठोरता प्रदान करते हैं। ठीक है, और आसानी से सड़ते नहीं हैं, तो ये लिग्निन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको ये याद रखना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम टिश्यू पर। रक्त समूह के खोज करता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, लैंडस्टीनर। ठीक है, लैंडस्टीनर के द्वारा 1900 से 1901 ऐसी डेट दी जाती है जिसमें रक्त समूह या ब्लड ग्रुप की खोज की गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ब्लड ग्रुप बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको ये याद रखना है। नेफ्रॉन किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सी, वृक्क। वृक्क या किडनी से संबंधित है। देखिए ये जो नेफ्रॉन है ये किडनी की सबसे सूक्ष्म स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल यूनिट है, आपको याद रखना है। कई बार पूछ लिया जाता है कि किडनी की स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल यूनिट कौन सी है, तो वो है नेफ्रॉन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है, मतलब केमिकल नेम क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, राइबोफ्लेविन। ठीक है, विटामिन B2 का केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। देखिए कई बार ये क्वेश्चन आया है, तो जितना भी जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है उसके जितने भी विटामिन है उसकी ट्रिक भी मैंने आपको दी है, तो आप ट्रिक वाले सेक्शन में जाइए प्लेलिस्ट में और देख लीजिए, उसे याद कर लीजिए कि किसका कौन सा केमिकल नेम है। किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पोलोनियम। ठीक है, पोलोनियम का जो नाम है वो उसका खोजकर्ता जो पोलैंड के निवासी थे उनके नाम पर रखा गया है, तो आपको याद रखना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पोलोनियम। मानव शरीर में पैरों की हड्डियाँ हैं, तो कौन सी पैरों की हड्डियाँ हैं? तो करेक्ट आंसर होगा बी, फिबुला एवं टीबिया। ठीक है, ये दोनों ही लोअर लेग की हड्डियाँ हैं। देखिए टीबिया जो है, अगर आपसे पूछा जाए कि सेकेंड लार्जेस्ट बोन कौन सी है, हम लार्जेस्ट बोन हमेशा पढ़ते हैं जो फीमर है, जो हमारी थाइज में पाई जाती है, लेकिन सेकेंड लार्जेस्ट अगर पूछा जाए तो वो टीबिया है जो हमारे लोअर लेग में प्रेजेंट होती है, और अगर हमारी बॉडी की सबसे थिनेस्ट बोन पूछी जाए तो वो कौन सी है, वो है फिबुला। तो ये दोनों ही आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मानव त्वचा का रंग बनता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मेलानिन से। ठीक है, जो मेलानिन होता है इसके द्वारा मानव त्वचा का रंग डिसाइड होता है, जिसके अंदर अधिक मात्रा में मेलानिन होता है उसका रंग डार्क होता है, और जिसमें मेलानिन की मात्रा कम होती है वो लाइट रंग का होता है, मतलब गोरा होता है। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो ये किसके द्वारा किया गया? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, डार्विन, चार्ल्स डार्विन के द्वारा जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इसका डी, ग्राहम। ठीक है, ग्राहम के द्वारा गैसों के विसरण का नियम प्रतिपादित किया गया। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ए, यूरेनियम डेटिंग के द्वारा पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की, प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा डी, ए फ्लेमिंग, यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा सबसे पहले यानी कि प्रथम एंटीबायोटिक की खोज की गई थी। किसमें? ये पेनिसिलियम नोटेटम नामक फंजाई से पेनिसिलिन नामक एक एंटीबायोटिक की खोज हुई थी सबसे पहले, जो किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, देखिए यहाँ पे डब्ल्यू फ्लेमिंग भी आता है और ए फ्लेमिंग आता है, तो आपको याद रखना है करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ए फ्लेमिंग, यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग।
यहीं पर हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।